एवरीवन, माय नेम इज अनु सारस्वत एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मेनिया। आज हम इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ कुछ हिंदी में भी बातचीत करना चाहते हैं, तो मेरे सामने मिस्टर अनिल बैठे हुए हैं। आज मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपना हमें परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं बेसिकली प्रतापगढ़ यूपी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में मैं अपनी पढ़ाई कर चुका हूँ और इस समय मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर रखी है। तो आपने अपनी पढ़ाई में क्या क्या कर रखा है? मैं अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएट हूँ लाइफ साइंस स्ट्रीम से। मेरा पीजी करने का मूड है, लेकिन मेरा पीजी करने का मूड लाइफ साइंस स्ट्रीम में बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को सिलेक्शन मिलता है यूपीएससी के तहत, तो मुझे पीजी डिग्री मेरी ट्रेनिंग के दौरान दे दी जाएगी, अन्यथा अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरे को पीजी इंटरनेशनल अफेयर्स में जेएनयू यूनिवर्सिटी से करनी होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिल जाए और आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते। धन्यवाद। तो आप किस प्रकार अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? आपका क्या परिचय, मतलब आपका क्या टाइम टेबल है, किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को शेड्यूल को मैनेज करते हैं? अगर आप मेरी तैयारी की, मेरे यूपीएससी की फील्ड की बात करें, तो ये बहुत हमेशा फ्लेक्सिबल रहा है। इसमें मैं अपने आप को अपने कंफर्ट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड करता हूँ। अर्लियर मैं सिंस 7:30 to 8:30 लाइब्रेरी में जाता था पढ़ने के लिए, मेरा पूरा टाइम वहीं पे यूटिलाइज होता था और मैं वहाँ पर पढ़ता था खूब इंटरेस्टिंगली। लेकिन एज पर मेरे स्टैटिक पोर्शन सारे कवर हो चुके हैं, तो मैंने अपना जो टाइम है वो फ्लेक्सिबिलिटी होने के तहत मोल्ड कर लिया है। तो अब मैं जब मुझे लगता है कि मेरे को ये लेक्चर लेना है, मुझे ये वाला कमेंसमेंट वीडियो लेक्चर की अटेंड करनी है, तो मैं उसी समय लाइब्रेरी तुरंत चला जाता हूँ। और इस समय मैं अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड हूँ, बिकॉज मेरे को अपने मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, मेंस लिखना पड़ता है और इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं विद एक्सपर्ट ओपिनियन फोरम्स के साथ साथ, और अपने अपने पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कराने पड़ते हैं। तो इन सब कामों में मैं बहुत बिजी हूँ इस समय। ये तो जरूरी है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपना शेड्यूल बिल्कुल मैनेज करना चाहिए, और आप टाइम देख के इंग्लिश मेनिया में भी आते हैं। Yes. तो ये बहुत अच्छी बात है। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पर हमारा जो इंडिया है वो डेवलप है या डेवलपिंग कर रहा है? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर बोलना कि इंडिया विकसित है या विकसित हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि भारत अभी विकसित हो रहा है और ये आगे 25-30 साल तक विकसित होता ही रहेगा, क्योंकि हम कई सारे क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था में अगर झांक कर देखें तो हमारी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम अदर वेस्टर्न नेशंस के कंपैरिजन में बहुत गिरी हुई है। और जब किसी देश की और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई होती है, तो उस देश का जो ढांचा होता है वो किसी भी तरीके से टिक नहीं सकता। तो अर्थव्यवस्था हमारे देश की वास्तव में बहुत गिरी हुई है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो संस्थान हैं, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए संस्थान हैं, वो अपना आए दिन एक अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और जिसके तहत हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव कर रहे हैं, हालांकि हमारे कुछ और भी कंसर्न्स हैं जो कि एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म हो जाएगा अगर मैं उसको डिस्कस करूं। तो हालांकि मेरा पर्सनल सेइंग यही है कि इंडिया विकसित है, विकसित हो रहा है और ये आगे भी होता ही रहेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2014 से पहले जो कांग्रेस रेजिमेंट चल रहा था, उस समय और आज के समय में क्या बदलाव आपने देखे और क्या नहीं देखे? यस, 2014 से पहले की बात करूं तो कांग्रेस रेजिमेंट रहा है। आफ्टर 1947 कांग्रेस रेजिमेंट को हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं। इट मींस ये एक तरीके से लाइक हेरिडिटी रूल की तरह हम लोगों ने इसको लिया है, क्योंकि उस समय कांग्रेस मेजॉरिटी पार्टी में थी, इट वाज नोन टू एवरीवन, ये सबके नजर में थी, नजरिए में थी। और कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत कुछ किया है, उनको टाइम टू टाइम अलाउंसेस इंक्रीज करके देना, उनको टाइम टू टाइम बोनस देना, उनको टाइम टू टाइम बहुत सारे पर्क्स दिए हैं जो कि करेंटली गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अगर करंट गवर्नमेंट की बात करूं तो इसने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की है, ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत ही हालांकि रिमूव ही कर दिया है। तो ये बहुत सामाजिक गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर हम लोगों को अपने अपने कंसर्न्स देने पड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट को हम मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को मर्ज करके कुछ ऐसा डिफरेंट हाइब्रिड मॉडल लेके आए जिसके तहत जितने भी बेनिफिशियरीज हैं ओल्ड स्कीम के, वो इसका लाभ उठा सकें। रही बात कांग्रेस रेजिमेंट की, तो कांग्रेस रेजिमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना अच्छा नहीं था जितना कि इस समय है,
क्योंकि मैं बात करूं तो द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट को लेकर, लेकिन वो इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स को देखते हुए किया है। अगर हम डोमेस्टिक स्फीयर की बात करें तो घरेलू जो हमारे घरेलू आचार विचार हैं, घरेलू मुद्दे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन मिनिस्ट्रीज की बहुत कमी रही है। और मैं बोलता हूं कि मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है तो मिस्टर मोदी को मैं टारगेट नहीं करूंगा, मैं तो गवर्नमेंट आम आदमी हूं, तो मैं इंडिविजुअल गवर्नमेंट को ही वो करूंगा कि ये इसके लिए जिम्मेदार है। तो हमारे यहां पर इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा फोकस्ड टेम्पल कंस्ट्रक्शन पर है बस, और इसके अलावा हमारे यहां पर किसी चीज में भी लाइक फोकस नहीं है। तो इस गवर्नमेंट का यही है कि ये एक ही फील्ड में टिल्टेड है, और कांग्रेस रेजिमेंट अपने आप को मल्टी डाइवर्स कर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लोगों को देती थी और लोग उसे अवेल करते थे। तो आप से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारी कांग्रेस के टाइम पर क्राइम्स ज्यादा थे कि आज के टाइम पर क्राइम्स कम हुए या और ज्यादा है, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, 2011 का केस सुना होगा, सो आज के टाइम में और उस टाइम में केसेस कम हुए या और ज्यादा बढ़ गए? तनु जी, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, मेरे हिसाब से ये बहुत दयनीय क्वेश्चन है इंडिया की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हम स्टैटिस्टिक देखें, जो उसकी रिपोर्ट वो रिलीज करते हैं एनुअली, तो उसके हिसाब से इंडिया में एक तरीके से इक्वल बैलेंस है क्राइम में। अगर हम कांग्रेस रेजिमेंट की बात करें तो उस समय टेक्नोलॉजिकल जो पेनिट्रेशन था बहुत हाई नहीं था, तो लोगों को बहुत कम जानकारी हुआ करती थी कि किस राष्ट्र में क्या चल रहा है, किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में क्या चल रहा है। लेकिन आज के लोग अपने आप को अवेयर कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी कुछ क्राइम 25% इंक्रीज हुए हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी बुलिंग है, थ्रेट है, ठीक है, डीप फेकिंग का आजकल बहुत बहुत सीरियस कंसर्न चल रहा है। अभी एक फेमस सेलिब्रिटी एक्ट्रेस हैं, वो डीप फेक की बहुत बड़ी विक्टिम बनी, तो इस पे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट आप सामने आई और उन्होंने बोला कि ये तो सबसे बड़ी लाइक क्राइम थ्रेट है हमारे इंडिया के लिए। और रही बात कांग्रेस रेजिमेंट की, तो कांग्रेस रेजिमेंट में इंटरनेशनल थ्रेट रिलेटेड टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत कम थे, लेकिन आज के समय में हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स के थ्रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास साइबर बुलिंग बहुत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का मिशन बहुत एक तरीके से बहुत डाइवर्स हो चुका है, तो हमको उसको ट्रिम डाउन करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है हमारे, उनको हम एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच में देखें, ना कि उसको हम एक नेगेटिव अप्रोच में देखें। अगर हमको कुछ भी करना है तो हमको सबसे पहले नेशनल इंटीग्रिटी को सामने रखकर देखना होगा। ये नहीं कि हमने कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है तो उसका एक तरीके से अनलिमिटेड यूज कर रही है आम जनता, तो आम जनता भी कहीं ना कहीं इन सारे केसेस में इन्वॉल्व हो जाती है कहीं ना कहीं, विली और निली। तो आपके सोशल साइट्स जैसे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आपके इन सब पे क्या विचार है कि आप इन्हें यूज करना चाहिए कॉन्स्टेंटली कि नहीं करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा पर्सनली, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछती हैं तो मैं ये बोलूंगा कि आज के टाइम में अगर आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से और राष्ट्रीय मुद्दों से, राज्य के मुद्दों से, और किसी पॉलिटिशियन लीडर से, किसी पर्टिकुलर अच्छा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, अगर उससे अपने आप को लिंक करना है, तो ये सबसे अच्छे मीडियम्स हैं, आप इनके तहत अपने आप को लिंक कर सकते हो। लेकिन पर्सनली जब से 2019 से मैंने फोन लिया है तो मैं तो पर्सनली इस पे एक्टिवेट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और टाइम की शॉर्टेज होते हुए और मेरे को ये चीजें मतलब कि यूज करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैं हालांकि ये बोलूंगा कि 99% लोगों को ये यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता के अंदर ये अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहा है। लेकिन कभी कभी इनका ज्यादा यूज करना, क्योंकि हम जैसे सपोज कि फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम, तो हमें अपनी एक आईडी बनानी पड़ती है, कभी कभी ये हैक भी हो जाती है, तो इस कारण बहुत से लोग हैं जो इसको ना प्रोत्साहित नहीं करते कि हमें इसे यूज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेन हमारी आइडेंटिटी किसी और के सामने आ सकती है। मैं यही बोलूंगा कि साइबर सिक्योरिटी बुलिंग यही है जो मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स अगर कोई डिस्क्लोज कर रहा है, उसको यूट्यूब मतलब कि मिसमैनेज कर रहा है, ठीक है, उसको उसके यूसेज उसको ढंग से नहीं आ रहे हैं और वो आपको एक तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है, तो इस केस में हमारे पास काफी सारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिनके पास आप डायरेक्टली जाके कंसर्न कर सकते हो, कि कंसल्ट कर सकते हो कि मुझको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अराइज हुई है ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उनके पास आपके लिए बहुत बेहतर सोल्यूशंस हैं और उन सोल्यूशंस के तहत आपकी जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो दो तीन थ्रेट होने से ये नहीं कि आप हमेशा इस टेक्नोलॉजी को बंद ही कर देंगे, नहीं, ये आपके पूरे लाइक होलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक अच्छा मीडियम और साधन है, वी कैन से। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या
जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ पर्संस उसके पास जाने से इसलिए हकलाते हैं या डरते हैं कि कहीं पुलिस हमें ही ना पकड़ के ले जाए, तो कुछ हद तक ये हो जाता है क्या लोगों के साथ कि हाँ पुलिस पकड़ के ले जाती है उन्हें, उस केस जो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ वो विक्टिम है या फिर वो देखने वाले हैं उनको भी पकड़ के ले जाती है, तो ये पुलिस की को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर जो सामाजिक हमारे परिप्रेक्ष्य है, इसमें लोगों को बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम ज्ञान है। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी लॉ और पॉलिसी नियम लागू होता है तो उसकी जो अवेयरनेस है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। अगर मैं बात करूं व्हीकल अमेंडमेंट 1950 लाइक व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसमें जो स्मार्टियन है, स्मार्टियन वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर आपदा विपदा पे जो दुर्घटनाग्रस्त स्थल होता है वहां पर आके वो लोगों की हेल्प करते हैं। समैरिटन। सो ये समैरिटन जो लोग होते हैं, अब इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हद तक रियायत है कि अगर ये किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर पुलिस थाने में और हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराते हैं तो इनके ऊपर कोई भी क्वेरी ऑफ कंसर्न नहीं होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। लेकिन ये हमारे इंडिया का दुर्भाग्य है कि हमारी जनता फालतू के मुद्दों पर ज्यादा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, गंभीर हो जाती है, लेकिन जहां पर इनको ज्ञान लेने की और ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है वहां पर ज्ञान अर्जित करती ही नहीं है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के तहत है ना, तो उनमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्मैरिटन हैं जिन्होंने कई लोगों की हेल्प की है एक्सीडेंट प्लेस पर, और उनके तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि हम उनको एक टोकनिस्टिक अप्रोच से उनको प्राउड फील कराते हैं और उनको हम एक तरीके से टोकन देते हैं अप्रिसिएशन का कि आपने किसी की हेल्प करी। तो इससे है ना, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि आपको आगे भी यही काम करना चाहिए। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि मैरिजों में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ब्राइड है और वो ग्रूम से पैसे मांग रही है या फिर उसने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है या कुछ भी है, तो आज के टाइम पर अगर ग्रूम साइड से कोई भी गवाही देने जाए या फिर कुछ भी हो तो ब्राइड साइड वाले पेरेंट्स कुछ कर भी सकते हैं या उनके साथ, तो वो गवाही दें या ना दें उनके सपोर्ट में? मैं ये बोलूंगा ये उस समय तक की बात है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ इवॉल्व प्रिंसिपल की, जो विकसित प्रिंसिपल है, जो विकसित प्रिंसिपल आज का ये बोलता है कि हमको दोनों पक्षों को, दोनों ग्रुप को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, दोनों अपने आप में कंपाउंडेबल है किसी भी चीज को लेकर, दोनों के अंदर आपसी सहमति है, तो हम रिजॉल्व उस इश्यू को वहीं की वहीं सॉल्व कर सकते हैं, हमको कोर्ट केस तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं बात करता हूं अगर कोई किसी, जैसे कि ग्रूम फैमिली की तरफ से कोई मेंबर है, ब्राइडल फैमिली की तरफ से कोई मेंबर है, अगर इन दोनों की कोई पर्सनल शत्रुता है, पर्सनल मतलब कि एक तरीके से झुंझलाहट है, खिसियाहट है, एक्रिमनी है, तो उस केस में ये एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं। स्पेशली मैं यही बोलूंगा कि ब्राइडल साइड की फैमिली, क्योंकि फीमेल्स को हम ना वीकर जेंडर मानते हैं, तो ये अपने आप को एक्ट के तहत बहुत इंपावर्ड समझते हैं कि हमारे फेवर में एक्ट काम करेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आज की जो इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोविंग एजेंसीज हैं ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराती हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जो विक्टिम होता है, जो कल्प्रिट होता है, उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता है, उसके हिसाब से उसको एब्सॉल्व किया जाता है। आज के समय पर ज्यादा से ज्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं कि दोनों की मैरिज हो गई, चाहे ब्राइड की और ग्रूम की, उसके बाद ये देखा जाता है कि पहले के टाइम में जैसे लड़कियां थी उनको पहले ज्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, कि दहेज मांगते थे, कुछ भी मांगते थे, कि बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। लेकिन आज के टाइम पर गर्ल्स के पास ये राइट तो है, विद इन 7 ईयर्स उनके पास राइट है कि वो केस कर सकती है ग्रूम साइड पेरेंट्स में, क्योंकि दहेज प्रथा का केस 7 ईयर्स तक चलता है। तो कहाँ तक गर्ल्स आजकल ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा मैरिज इसलिए कर रही है कि वो पैसे ले सके, मैरिज करें डिवोर्स लेके पैसे ले सके, तो आज के टाइम पर जो वुमेन्स को राइट्स दिया गया है कि वो ठीक है कि नहीं है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर हम जैसे सोचते आ रहे हैं पुराने समय से लड़कियों पर ज्यादा अत्याचार हुए, महिलाओं पर ज्यादा अत्याचार हुए, लेकिन आज तो मैन भी पिस रहे हैं इस चीज में, उन पर भी अत्याचार हो रहे हैं, तो सिर्फ क्या पुलिस या कोई भी प्रशासन सिर्फ लड़कियों की हेल्प करेगा कि लड़कों की बात भी सुनेगा? मैं यही बोलना चाहूंगा इस मुद्दे पर और इस प्रिपरेशन पर कि आज के टाइम में जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा कानून और नियम है, ये बायस्ड नहीं है, ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन हमारे जो सोशल फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ये बीच में आ जाते हैं एज अ ऑब्स्टेकल। तो जिस तरीके से हमारा जो न्याय है वो एक तरीके से पक्षपात में आता है,
ठीक है, हम लोग पक्षपात बहुत करते हैं। और रही बात लोगों के मतलब कि जो हमारे मेल कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डायवोर्स एक्ट एंड ऑल, तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ ये बात बहुत हद तक सही है कि मेल के कंसर्न को बहुत लाइटली लिया जाता है एज कम्पेयर टू दी वीमेन फीमेल, बिकॉज वो फीमेल हैं, वो अपने एक्ट को मिसयूज कर रही हैं, तो उनके लिए विमेन लाइक विमेन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये मेन लाइक मैन कमीशन लाइक सोच रही है कि लाइक कोई मैन कमीशन भी हम एस्टैब्लिश करें जिसके तहत एक तरीके से एक एक फ्रेश और एक तरीके से अनबायस्ड लाइक जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉब है वो हो सके, और वो हो भी रही है। हालांकि हम बात करते हैं कि आज के टाइम में ये कहना, अगर केस अगर आपका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप बिल्कुल भी इस चीज को नहीं बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये प्रोमिनेंट एजेंसीज हैं लाइक जुडिशियल एजेंसीज हैं और ये आप किसी फेवर में ज्यादा जल्दी से जजमेंट दे देंगे। नहीं, ये दोनों ही एजेंसीज हमारी ऐसी हैं कि ये दोनों ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं, ये दोनों एक न्यूट्रल होकर जजमेंट देती हैं। हाँ, हालांकि ग्राम न्यायालय और जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिशियंस का एक इंटरफेरेंस हो सकता है कि वो लड़की वालों को ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी कुछ ना कुछ उनसे पर्सनल लिंक्स होते हैं जो कि वो डॉट्स हमेशा कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस केस में मैं यही बोलूंगा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर हो भी रहा है तो टू द लेस एक्सटेंट हो रहा है, नॉट दैट लाइक पॉसिबल एक्सटेंट और द मैक्सिमम एक्सटेंट, बहुत कम है इस समय। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को? आज बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है आज के टाइम पर। एक्चुअली हमारे पास पूलिंग ऑफ रिसोर्स का सोर्स केवल एक ही है, पूलिंग ऑफ रिसोर्स का सोर्स एक से मतलब मेरा ये है कि आज का इंसान या पीएचडी होल्डर हो या लाइक स्वीपर हो, वो सभी गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक माइंड लाइक थॉट प्रोसेस ऐसा बन चुका है कि गवर्नमेंट की जॉब में हम पूरे सिक्योर हैं, गवर्नमेंट की जॉब एक बार लग जाए तो फिर हम एक तरीके से उनके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, हमको पेमेंट मिलेगा और हम सर्विस करेंगे। हालांकि मेरा ये है कि हमको ना जो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है उसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, हमको डिफरेंट डोर स्टेप्स ओपन करने चाहिए लाइक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसे कि अब आजकल हम टेक्नोलॉजिकल मीडिया का काफी यूज कर रहे हैं जिसके तहत हम लोग काफी लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं यंग जनरेशन को, और वो उसके तहत काफी अच्छा कमा भी रहे हैं। हालांकि डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ द इंटरव्यू ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, जो वो खुद बोल रहे थे कि मैंने आईएएस बनके गलती की, अगर मैं आईएएस नहीं बनता तो आज मैं एक तरीके से एक तरीके से इन्फ्लुएंसर होता लाइक मीडिया पर, तो मैं उनसे बहुत अच्छा कमा सकता था। तो हमारा जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट ग्रैब कर सकते हैं, दैट्स ऑल। एम्प्लॉयमेंट ग्रैब तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं को टीचर बनना है आगे अपने लाइफ में, तो जब तक पुराने टीचर्स रिटायर नहीं होंगे या फिर ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है ये वैकेंसीज ही नहीं निकाल रही है, तो क्या ये ठीक है कि 60 साल तक किसी भी पर्सन को उसी जैसे वो शिक्षा में है तो उसको 60 साल तक के बाद ही रिटायरमेंट मिलेगा? क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको कम कर रही है, सपोज इसको 50 साल या 45 इयर्स कर ले, तो जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उसको भी मौका मिल सके कि वो वहां पे जा सके, कि कुछ ना कुछ कर सके, गवर्नमेंट जॉब ले सके। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट कि उस डेट को कम कर दे? बहुत सारे जैसे बैंक में मान लीजिए डॉक्टर की तो 65 है ही है, वो तो एयरफोर्स आर्मी का तो वो कम हो गया है अग्नि करके, तो ऐसा क्यों कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कम कर दे, एज लिमिट को थोड़ा सा कम कर दे तो आने वाली जो जनरेशन है वो आ सके? तनु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गंभीर क्वेश्चन भी है, इसके ऊपर मैं आंसर कल देना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे को बहुत सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है? तो टाइम की कमी होने के हिसाब से हम लोगों को ये कन्वर्सेशन आज ही फुल स्टॉप करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू आपके साथ बात करके मिस्टर अनिल, मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है और मुझे भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपकी बातों से इन्फ्लुएंस भी मैं हुई हूँ, तो थैंक यू आपका।